दोस्तों आज मैं आपको चूहों के नस्लों के बारे में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, ग्रे चूहा। दोस्तों ये चूहा यूरोप के कई देशों में जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्र इनके जीवन के लिए अनुकूल नहीं होता है। दूसरा, तुर्किस्तान चूहा। ये चूहे 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनके पेट का भाग पीला और सफेद होता है। ये चूहा उत्तरी भारत, समरकंद, ताशकंद इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा, काला पूंछ वाला चूहा। दोस्तों इसकी पूंछ बालों से ढकी हुई होती है। ये अधिकतर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। ये अधिक से अधिक नदी और जल के आसपास रहना पसंद करते हैं। चौथा, छोटा चूहा। दोस्तों ये चूहे एशिया, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ये अधिक से अधिक वनों में रहते हैं। इनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है और अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन लगभग 50 से 80 ग्राम तक होता है। ये चूहा बीज, फल, कीड़े, पौधे के कुछ हिस्से खाया करते हैं। पांचवा, बुलडॉग चूहा। दोस्तों ये चूहे पहले हिंद महासागर में पाए जाते थे। इसकी लंबाई करीब 25 सेंटीमीटर होती है और अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन लगभग 150 से 300 ग्राम के बीच होता है। ये चूहे द्वीप की ऊंची पहाड़ियों पर और सहारा वनों में पाए जाते हैं। छठा, हिमालयन फील्ड रैट। दोस्तों ये चूहा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम इन देशों में पाए जाते हैं। इसकी लंबाई करीब 7 इंच तक हो सकती है। इन चूहों को चाइनीज चूहों के रूप में भी जाना जाता है। सातवां, ब्राउन चूहा। दोस्तों ये चूहा लगभग हर जगह पे पाया जाता है। इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर तक होती है और वजन इसका लगभग 200 से 500 ग्राम के बीच हो सकता है। ये चूहा अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाया जाता है। नौवां, लॉन्ग हेयर रैट। दोस्तों ये चूहा ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। ये चूहे के बाल लंबे होते हैं। इस चूहे की लंबाई लगभग 100 से 200 मिलीमीटर के बीच होती है और अगर इसके वजन के बारे में बात करें तो इसका वजन लगभग 100 से 200 ग्राम के बीच होता है। ये चूहे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और क्या आप जानते हैं ये चूहे 13 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।